गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फ्लक्स। बेटा ये टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं कह सकता मैं इसको, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा ये। क्यों? क्योंकि इस टॉपिक के ऊपर ही जो हमारे एग्जाम ओरिएंटेड गॉस थ्योरम और उसकी एप्लीकेशन है वो सारी टिकी हुई है। तो हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फ्लक्स के बारे में बड़ा गहराई से जाकर उसका निचोड़ निकाल के उसको समझना पड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फ्लक्स ना सिर्फ इस चैप्टर के अंदर बल्कि थर्ड चैप्टर के अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स के रूप में भी आप लोग के पास आएगा, तो वहां हम लोग को समझना जरूरी है। देखिए बेटा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स आप लोग को पता, मैं वर्ड टू वर्ड हर चीज को समझाता हूं। पहले इलेक्ट्रिक है तो हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से होगा या इलेक्ट्रिक चार्ज से मीनिंग होगा इसका, उसके बारे में बात नहीं कर रहा मैं पहले बात कर रहा हूं फ्लक्स के बारे में। बेटा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्लक्स? बेटा देखिए, आप अपने घर पे बैठे हो, ठीक है, और आप एक खिड़की के पास बैठे हो। जैसे ही आपने खिड़की को खोला तो आपके फेस पे आके हवा लगी। उस खिड़की के अंदर से हवा का आना वो क्या है? विंड फ्लक्स है। उसको हम क्या बोलेंगे? विंड फ्लक्स। हवा का आना विंड फ्लक्स होगा। किसी भी एरिया में से किसी भी चीज का पास आउट होना उसको बोलते हैं फ्लक्स। जैसे कि मान लीजिए आपके पास एक पाइप है और पाइप से पानी बाहर आ रहा है, तो पाइप के सरफेस एरिया के अंदर से, जो पाइप का होल है उसके सरफेस एरिया में से जितना पानी बाहर आ रहा है वो क्या है? वाटर फ्लक्स है वो, ठीक है। अब हमें क्या पढ़ना है बेटा? हमें पढ़ना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो बेटा सपोज करिए कि एक कोई बॉक्स है, कोई भी क्यूब है, उस क्यूब के अंदर चार्ज पार्टिकल पड़ा हुआ है, ठीक है। टॉपिक की खूबसूरती देखिए आप, बहुत ब्यूटीफुल टॉपिक, आप इसको समझने की कोशिश करिए। एक आपके पास कोई बॉक्स है, क्यूब है, उस क्यूब के अंदर चार्ज पार्टिकल पड़ा हुआ है जो कि स्टैटिक चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, और उसके सेंटर में पड़ा हुआ है। चार्ज पार्टिकल की प्रॉपर्टी क्या है? वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है तो उससे बाहर की तरफ जाएगी, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन रेडियली आउटवर्ड होती है, रेडियली आउटवर्ड होती है, ठीक है। तो चार्ज पार्टिकल के कारण फील्ड लाइन बाहर जाएगी तो वो उसके जो वॉल्स होगी, जो क्यूब की वॉल्स होगी, जो उसके फेस होंगे, वहां से बाहर निकलेगी, ठीक है। अब मैं मान लेता हूं बेटा एक फेस, ये मेरे पास कोई क्यूब का फेस है, इस फेस में से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर आ रही है, ठीक है बेटा। ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ आ रही है, ठीक है। बच्चे देखिए, फिजिक्स के अंदर कुछ टॉपिक ऐसे आएंगे जहां हमें एरिया को एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी की तरह यूज करना पड़ेगा, और वहां हम एरिया को क्या बोलेंगे? एरियल वेक्टर। एरिया वेक्टर नहीं, एरियल वेक्टर। एरियल वेक्टर का मीनिंग बेटा क्या है? जैसे मान लीजिए मैंने ये सरफेस एरिया ले लिया, पर मुझे इसको वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, तो मैं क्या करूंगा? इसका मैग्नीट्यूड तो क्या होगा? लेंथ इनटू ब्रेथ, और जो इसकी डायरेक्शन होगी वो होगी परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ठीक है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। अब ये मैंने जो एरिया लिया, मैंने थोड़ा टिल्ट लिया है, ऐसे होना चाहिए था एरिया, मैंने ऐसे थोड़ा टिल्ट लिया एरिया को, ठीक है। तो जो इसका परपेंडिकुलर वेक्टर बनेगा वो कैसे बनेगा? मान लीजिए यहां बना, ठीक है, वो मेरे पास क्या हो गया? ds वेक्टर होगा, क्योंकि मैंने स्मॉल एरिया लिया, पूरा एरिया नहीं लिया मैंने, स्मॉल एरिया लिया, कितना बन गया? ds, ठीक है। बेटा एक बात सोचो आप लोग, मैंने बोला इलेक्ट्रोस्टैटिक फ्लक्स क्या है? नंबर ऑफ फील्ड लाइन का किसी एरिया में से बाहर आना, जैसे मैंने वाटर का एग्जांपल लिया और विंड का एग्जांपल लिया। पर देखिए बेटा, वाटर जब पाइप के सरफेस में से बाहर निकलता है, वो वहां से परपेंडिकुलरली बाहर निकल रहा है। सर आप तो कहोगे नहीं, आप लोग कहोगे कि पानी तो सर ऐसे प्रोजेक्टाइल ही चला जाता है, पर बेटा जब निकल रहा है उस पॉइंट पर, उस पॉइंट से तो वो कैसे निकल रहा है? परपेंडिकुलरली बाहर निकल रहा है, और खिड़की में से जो हवा आई वो भी हमारे पास परपेंडिकुलरली आई है। तो हमें क्या चाहिए? परपेंडिकुलरली, मतलब ये मेरे पास एरिया, ये उसका एरिया वेक्टर, और फील्ड लाइन इस एरिया वेक्टर के अलोंग होनी चाहिए, फील्ड लाइन इस एरिया वेक्टर के अलोंग होनी चाहिए इसकी डायरेक्शन के, ठीक है।
पर यहां हमारे पास इसके अलोंग नहीं है, दोनों के बीच में क्या है बेटा, एंगल थीटा दिया हुआ है, ठीक है। पर हमें एक बात और पता है कि हमने प्लस वन में सीखा है सर कि डीएस का थीटा की तरफ कंपोनेंट बेटा क्या बनेगा, डीएस कोस थीटा बनेगा, ठीक है। और फिर सर आपने डीएस कोस थीटा तो बता दिया कि ये ऐसे था कि ये था एरिया, ये इसकी परपेंडिकुलरली इसकी डायरेक्शन होगी और ये क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी, ठीक है। और एरिया हमने थोड़ा टिल्ट लिया हुआ है तो थीटा की तरफ वाला कंपोनेंट तो कोस वाला हो गया, ये तो साथ आ गए इसके, कोस थीटा वाला कंपोनेंट बन गया। साइन वाला कहां जाएगा बेटा, साइन वाला कंपोनेंट तो इधर जाएगा, क्या वो एरिया में से पास आउट हो रहा है, साइन वाला कंपोनेंट तो पास आउट हो ही नहीं रहा। सिर्फ अधूरी बातें नहीं छोड़नी के कोस वाला क्यों ले लिया सर, साइन वाला क्यों ले लिया। बेटा देखिए कोस वाला तो थीटा की तरफ बन गया और दूसरा क्या है, परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर वाला तो सरफेस के अलोंग हुआ, क्या वो सरफेस में से पास आउट हो रहा है, नहीं हो रहा। क्या वो फ्लक्स में काम करेगा, नहीं करेगा, तो मैंने साइन वाले कंपोनेंट को नहीं लिया, ठीक है। ई वेक्टर तो मेरे पास ये था ही क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थी और डीएस कोस थीटा आ गया, ठीक है। तो ये सारी चीज बेटा क्या है, ये है हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स, कितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइन कितने एरिया कंपोनेंट में से बाहर आ रही है, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कितने एरिया में से बाहर आ रही है। सर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर आ रही है, आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्यों ले रहे हो, ये तो गलत हो जाएगा, है ना, कि बोल तो आप रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और लिख रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये तो आप गलत करवा रहे हो। नहीं बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की क्राउडनेस ही होती है, मैंने ये बताई थी आपको, टेस्ट में भी क्वेश्चन आया था आप लोगों के पास, मोर इज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मोर इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इंटेंसिटी। तो फील्ड इंटेंसिटी है क्या, बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ही तो है, उनकी क्राउडनेस ही तो है, ज्यादा होगी क्राउडनेस तो ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, कम होगी तो कम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। मतलब हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो हमारे पास होगा वो क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इंटू डीएस कोस थीटा। यही बात है ना, जैसे मान लीजिए 2 मीटर स्क्वायर एरिया में से 5 फील्ड लाइन बाहर आ रही है तो हम कैसे निकालेंगे फ्लक्स, 2 × 5 = 10 फ्लक्स है, ठीक है। और 3 मीटर स्क्वायर एरिया में से 10 फील्ड लाइन बाहर आ रही है तो 3 × 10 = 30 लिखेंगे। इसी तरह से डीएस कोस थीटा में से ई फील्ड लाइंस बाहर आ रही है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बना रही है, तो हम कैसे लिखेंगे, ई डीएस कोस थीटा, ठीक है बेटा। ये हमारे पास होगी फ्लक्स के बारे में मोटी मोटी जानकारी। अब अगर हमें डेफिनेशन लिखनी हो, क्योंकि एग्जाम में तो हम डेफिनेशन लिख के आएंगे, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन क्या लिखोगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू द एरिया हेल्ड परपेंडिकुलर टू इटसेल्फ, ठीक है, परपेंडिकुलर टू इट, ठीक है। तो हम लोग लिख देते हैं डेफिनेशन, या थोड़ी और इजी बना के डेफिनेशन को मैं लिखता हूं, देखिए बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फ्लक्स इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एन एरिया हेल्ड परपेंडिकुलर टू फील्ड लाइंस, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बेसिकली क्या हो जाएगा, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू एन एरिया हेल्ड परपेंडिकुलर टू फील्ड लाइंस, ठीक है। इसको डिनोट किससे करते हैं बेटा, आप लोग साथ साथ नोट कर लेना, इट इज डिनोटेड बाय पाई ई,
ये फाई का सिंबल है, उसके पैर में ई, ठीक है। मैथमेटिकली इट इज गिवन बाय डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर एंड एरियल वेक्टर, एंड एरियल वेक्टर, ठीक है। एरियल वेक्टर आप लोग क्या लिखोगे, ठीक है, इन सम फिजिक्स प्रॉब्लम्स वी कैन यूज द एरिया एज अ वेक्टर इन विच वी कैन कंसिडर द डायरेक्शन ऑफ दैट एरिया इज परपेंडिकुलर टू इट्स सरफेस, उसके सरफेस के हम लोग परपेंडिकुलर उसकी डायरेक्शन को कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो मैं कैसे लिखूंगा इसको, सो पाई ई हमारे पास बेटा क्या देगा, ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर, ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर, ये हमारे पास एक्चुअल फॉर्म है किसकी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। या मैं क्या लिख सकता हूं, ई एस कोस थीटा, हियर ई इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इंटेंसिटी और एस इज सरफेस एरिया, ठीक है। अभी आप लोग कहोगे सर जी अभी तो आपने ये कहा था हमें कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स आप लोग के पास कितना आएगा, ई डी एस कोस थीटा, ये आएगा। अभी आप कुछ और ही लिख रहे हो बेटा, ये यही है, देखिए बेटा ये मैंने स्मॉल सरफेस एरिया में से लिया है तो मेरे पास क्या आएगा, स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और क्या आया मेरे पास, ई डी एस कोस थीटा, ठीक है। मैं दोनों तरफ क्या कर दूंगा, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन कर रहा हूं सिर्फ सरफेस एरिया के लिए, तो बेटा फ्लक्स तो हो जाएगा कंप्लीट फ्लक्स, ई और कोस थीटा आ जाएगा बाहर, इंटीग्रेशन होगा सरफेस एरिया का, इंटीग्रेशन से डेरिवेशन क्या हो जाएगा, कैंसिल, हमारे पास क्या बचेगा, ई एस कोस थीटा, तो ये हमारे पास आ जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फ्लक्स, ठीक है। कोई भी रट्टाफिकेशन, कुछ भी जुगाड़मेंट करने की जरूरत नहीं है, टॉपिक वाइज टॉपिक को समझो, जो उसका कॉन्सेप्ट है कॉन्सेप्ट वाइज समझो, टॉपिक के निचोड़ में अगर जाओगे तो टॉपिक अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। जो हमारे नेचुरल एग्जांपल होते हैं, सारी की सारी चीजें नेचर से तो आई है, नेचुरल एग्जांपल से समझिए, विंड फ्लक्स से और वाटर फ्लक्स से, और भी आप लोग एग्जांपल कंसीडर कर सकते हो, दिस इज द होल कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फ्लक्स। थैंक यू वेरी मच।